खबर आपको मध्य प्रदेश से बता दें, जहां पर एक बार फिर से मानवता शर्मसार हुई है। खबर इंदौर से है, जहां पर एक मानसिक विक्षिप्त महिला के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि देर रात नग्न अवस्था में ये महिला सड़क पर घूमती नजर आई। बच्चे ने उसे देखा तो बच्चे की सूचना के बाद यहां पर एम्बुलेंस पहुंची और एम्बुलेंस से महिला को अस्पताल पहुंचाया गया। जांच करने पर दुष्कर्म की पुष्टि की गई है। सीसीटीवी में एक युवक के साथ पीड़िता जाती हुई भी नजर आई है। आधे घंटे के बाद सड़क पर निवस्त्र हालत में महिला घूमती नजर आई। पुलिस ने फिलहाल आरोपी को हिरासत में ले लिया है। यह तस्वीर आप देखिए, बच्चा साइकिल चला रहा है और दूसरी तरफ से यह महिला जो है वो निवस्त्र घूमती नजर आई, जिसके बाद बच्चे ने इसकी सूचना अपने परिजनों को दी। परिजनों ने एम्बुलेंस को सूचना दी, जिसके बाद महिला को अस्पताल पहुंचाया गया। यह तस्वीर भी आप देखिए, आरोपी के साथ में पीड़िता जाते हुए नजर आ रही है। रवि हेमराज सिसोदिया हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि, एक ऐसी घटना जिसने ना सिर्फ देश को, मध्य प्रदेश को, इंदौर को भी शर्मसार कर दिया है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके की पूरी घटना रही है, कहीं ना कहीं मानवता शर्मसार कर देने वाली ये घटना है, क्योंकि जो महिला है 40 वर्षीय उसकी उम्र है, मानसिक विक्षिप्त बताई जा रही है। और जिस तरीके से क्षेत्र का ही रहने वाला जो हम्माल है वो इस महिला को साथ में लेकर जाता है, दुष्कर्म की घटना उसके साथ अंजाम देता है और महिला उसके बाद निवस्त्र जो है पूरे क्षेत्र में घूमती नजर आ रही है। सीसीटीवी में ये पूरी घटना कैद हुई है। ये दृश्य दिखाना हमारे लिए बिल्कुल भी हमारी ये बिल्कुल मंशा नहीं कि ये दृश्य दिखाया जाए, लेकिन किस प्रकार की पूरी घटना रही है और आरोपी किस तरीके से जो मानसिक विक्षिप्त महिला है उसको अपने साथ में ले जाते हुए नजर आ रहा है और वो पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। पुलिस के लिए भी मुख्य एविडेंस वही है। आरोपी जो है क्षेत्र का ही रहता है, क्षेत्र का ही रहने वाला है, हम्माली का काम करता है। महिला जब निवस्त्र क्षेत्र में घूम रही थी, तब क्षेत्र के ही एक साइकिल पर जा रहे एक युवक ने जो है 108 एम्बुलेंस को उसकी सूचना दी। जो महिला है उसको एम्बाई अस्पताल लाया गया। जब उसका पूरा उसकी पूरी जांच की गई, उसका जो डॉक्टर्स ने मेडिकल किया, तो उसमें पाया कि महिला के साथ में दुष्कर्म की घटना हुई है। महिला चूंकि मानसिक विक्षिप्त है, इसलिए फिलहाल जो सोशल एक्टिविटीज़ है और NGOs है उनके माध्यम से फिलहाल उसके बयान दर्ज किए जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी घटना ये है कि किस तरीके से एक अकेली महिला जो कि मानसिक विक्षिप्त है, उसे ये आरोपी अपने साथ में ले जाता है, दुष्कर्म की घटना को अंजाम देता है और फिर ये महिला जो है रात को 3 बजे सड़कों पर नग्न अवस्था में घूमते हुए नजर आती है, जो कि इंदौर शहर के लिए बिल्कुल भी एक साफ छवि नहीं है, एक साफ चित्र नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से इंदौर स्वच्छ शहर कहा जाता है, लेकिन लोगों की मानसिकता कितनी गंदी है ये बर जरूर साफ नजर आ रहा है। ये एक हम्माली करने वाला व्यक्ति जो इस महिला जो कि मानसिक विक्षिप्त है उसका फायदा उठाता है, उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देता है और फिर यह पूरा घटनाक्रम सामने आता है। पुलिस ने आरोपी को जरूर गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ BNS के जो भारतीय न्याय संहिता है उसमें जो दुष्कर्म की धारा है उसके तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। रवि, किस क्षेत्र की यह घटना है? क्योंकि सही कहा आपने कि स्वच्छ शहर की एक गंदी मानसिकता आज उजागर हो गई है। एक मानसिक विक्षिप्त महिला के साथ मदद के नाम पर जिस तरह से उसे ले जाया गया और उसके साथ रेप की घटना को अंजाम दिया गया, यहां पर पुलिस हमेशा यह दावा करती है कि जिस तरह से आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं उसके बाद लगातार पेट्रोलिंग भी की जा रही है, लेकिन अगर इस तरह की हरकतें बीच सड़क पर हो रही हैं तो निश्चित तौर पर यह दावा धता बताती है। देखिए, घटना जो है वो लगभग रात को 3 बजे की घटना बताई जा रही है। जिस तरीके से फुटेज में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि इलाका पूरा सुनसान है और सुनसान इलाके में सिर्फ महिला अकेली नजर आते हुए नग्न अवस्था में जाते हुए नजर आ रही थी और साइकिल से जो व्यक्ति आया है वो उसने प्रयास जरूर किया कि पूछने का भी प्रयास किया कि क्या घटनाक्रम रहा है, लेकिन उसके बाद उसने फिर 108 और डायल 100 पर फ़ोन करके सूचना दी और उसके बाद ये पूरा जो मामला है ये हरकत में आया। महिला का मेडिकल हुआ और उसके बाद में जो इन्वेस्टिगेशन में सामने आया, ये जो तस्वीर है और ये जो पूरा घटनाक्रम है काफ़ी दिल दिला देने वाला है, क्योंकि इंदौर शहर में अगर इस प्रकार की घटना सामने आ रही है, पूरा जो मामला है ये सदर बाजार थाना क्षेत्र का है। मंदिर के पीछे जो मस्जिद वाली गली है उसके पीछे जो गार्डन बना हुआ है वहां का ये पूरा इलाका, ये पूरा घटनाक्रम जो है इस क्षेत्र का बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और इस मामले में अभी BNS के जो धाराएं हैं उसमें FIR दर्ज कर पुलिस मामले में सख्त कार्रवाई करने की बात कह रही है। जी जी रवि, खबर पर नजर बनाकर रखिएगा। रवि, फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।